हम लोगों को शुरू करनी है रिटायरमेंट की। जरा जरा बेटा सब लोग, गुडविल में दो सिचुएशंस आते हैं, एक आता है ओल्ड गुडविल और एक आता है न्यू गुडविल। ओल्ड गुडविल का मतलब क्या होता है बेटा कि जब पार्टनर रिटायर होके जा रहा है उस टाइम पे जो बैलेंस शीट में मतलब जो बुक्स में गुडविल शो कर रहा है उसको हम लोग ओल्ड गुडविल कहते हैं। ओल्ड गुडविल को हमेशा रिटर्न ऑफ किया जाता है और इसकी जनरल एंट्री बनती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। बेटा में जब हम लोग नई गुडविल को क्रिएट करते हैं तो नई गुडविल में जो पार्टनर जा रहा है उसको गुडविल का पैसा देना पड़ता है, मतलब उसको गुडविल का पैसा मिलेगा, ये उसके लिए इनकम है। इसलिए हम लोग यहां पे लिखते हैं टू रिटायरिंग पार्टनर और उसको गुडविल देता कौन है बेटा, जो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर। एंट्रीज दोनों क्लियर बेटा सब लोगों को, एक बुक दो बेटा। पेज नंबर 6.9, एग्जांपल नंबर 13। पेज नंबर 6.9, एग्जांपल 13। शुरू करो, क्या लिखा है बेटा, सुरेंद्र, रमेश, नरेश एंड मोहन, चार पार्टनर, सुरेंद्र, रमेश, नरेश एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:2:1। ये इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ नरेश, नरेश गया तो बचा सुरेश, रमेश एंड मोहन। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ नरेश गुडविल वॉज वैल्यूड एट ₹72,000। ये हमको न्यू गुडविल दिया हुआ है 72,000 का। सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ये इनका न्यू रेशियो दिया हुआ है 1:1:1। पास द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। सबसे पहले तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया है तो हम लोग फाइंड करेंगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो की फॉर्मूला क्या होती है बेटा, लास्ट सेक्शन बताया था, न्यू माइनस ओल्ड। एस, एस का न्यू रेशियो है 1/3 माइनस एस का ओल्ड रेशियो है 2/6 क्रॉस मल्टीप्लाई 6 - 6/18 0 एस। देन आर, रमेश न्यू रेशियो 1/3 1/6 6 - 3/18 3/18 मोहन, मोहन का न्यू रेशियो 1/3 माइनस मोहन का ओल्ड रेशियो 1/6 तो 6 - 3/18 तीन पार्टनर जाएंगे ना, वो तो चला गया ना, जो एक पार्टनर है वो तो रिटायर हो गया तो बचे तीन पार्टनर। चलो बेटा याद है, अब एंट्री पे ध्यान देना बेटा, कौन जा रहा है, नरेश। तो नरेश को गुडविल मिलेगा, न्यू गुडविल 72,000 है। अब हम लोग नरेश का गुडविल फाइंड करेंगे, 72,000 × 2 / 6 निकालो बेटा नरेश का कितना गुडविल आ रहा है, आई थिंक 24,000। करेक्ट हो बेटा भाई, करेक्ट हो बेटा भाई, इतना नरेश को गुडविल मिलेगा तो 2 नरेश कैपिटल 24,000 क्योंकि उसको गुडविल मिलेगा और देगा कौन, गेनिंग पार्टनर। हुआ गेनिंग पार्टनर सुरेश का तो 0 है, रमेश एंड मोहन, तो रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 24,000 को 3:3 में मतलब इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें तो 12,000 समझे बेटा सब लोगों को, कोई कंफ्यूजन सब में, कदम कदम प्रश्न सही एंट्री 3 बार ऑफिस।
देखो बेटा कौन
एग्जाम्पल नंबर 14 बेटा, एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:5. एक्स वाई जेड ओल्ड रेशियो हमको दिया हुआ है 2:3:5. गुडविल एग्जिस्ट इन देयर बुक्स एट रुपीज 50,000. इसका मतलब क्या होगा, जो बुक्स में दिया होता है ना वो होता है ओल्ड गुडविल. ओल्ड गुडविल अपन को कितना दे रखा है बेटा 50,000. एक्स रिटायर्स, एक्स गया, बचा कौन, वाई जेड. एक्स रिटायर्स एंड ऑन द सेम डे ऑफ एक्स रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट रुपीज 45,000. न्यू गुडविल है 45,000 का. वाई एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल. ये इनका न्यू रेशियो दिया हुआ है इक्वल. सबसे पहला हमारा काम हमको क्या फाइंड करना है बेटा, गेन रेशियो की फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड वाई. वाई का न्यू रेशियो 1/2 माइनस वाई का ओल्ड रेशियो 3/10 क्रॉस मल्टीप्लाई 10 माइनस 6 अपॉन 20 4/20. जेड का न्यू रेशियो 1/2 माइनस जेड का ओल्ड रेशियो 5/10 क्रॉस मल्टीप्लाई 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 20 0. याद है क्लियर बेटा. पहली एंट्री जब ओल्ड गुडविल दिया है तो मैंने आपको क्या बताया कि ओल्ड गुडविल जब दिया होता है तो उसको क्या करना पड़ता है, रिटर्न ऑफ. रिटर्न ऑफ करने के लिए आप टू गुडविल करोगे. टू गुडविल 50,000 डेबिट किसको करना है बेटा आपको, ओल्ड पार्टनर्स. ओल्ड पार्टनर्स कौन है, एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट, जेड अकाउंट डेबिट. 50,000 को 2:3:5 में डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा. 50,000 को 2:3:5 में डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा. 10,000, 15,000 और 25,000. एंट्री नंबर 1 क्लियर आ रहा है. क्यों, ओल्ड गुडविल है. ओल्ड गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना बेटा वो ओल्ड रेशियो में, वो सैक्रिफाइसिंग में नहीं होता है. रीवैल्यूएशन में सैक्रिफाइस होता है, लेकिन एडमिशन और रिटायरमेंट के अंदर जो होता है ना बेटा डिस्ट्रीब्यूशन वो ओल्ड रेशियो. ये इसका मैंने कल आप लोगों को क्वेश्चन भी पूछा था एग्जाम में, कल के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा था कि जब रीवैल्यूएशन होता है तब गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट होती है वो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो होती है, लेकिन जब एडमिशन और रिटायरमेंट होता है तब जो ओल्ड गुडविल होती है ना वो ओल्ड रेशियो. वो अगर यहाँ पे नहीं होता बेटा तो जो ओल्ड रेशियो है वही गेनिंग रेशियो बन जाता, वही उनका न्यू रेशियो बन जाता. न्यू रेशियो नहीं, यहाँ पे एडमिशन रिटायरमेंट में. सर आप तो बोल रहे हैं एडमिशन का ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होगा. एडमिशन और रिटायरमेंट में जो गुडविल है वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और रीवैल्यूएशन वाले जो चैप्टर है रीवैल्यूएशन वाले चैप्टर में जो गुडविल है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो जब न्यू रेशो नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड रेशो को या न्यू रेशो में कंसीडर करो. ठीक है बेटा, पढ़ो आगे स्टूडेंट्स. फर्स्ट एंट्री क्लियर हो गई बेटा. अब सेकंड एंट्री, कौन जा रहा है, एक्स. तो एक्स को गुडविल मिलेगा, हम एक्स का गुडविल फाइंड करेंगे. टोटल गुडविल है 45,000, एक्स का रेशियो है 2:10, मतलब टोटल 9,000 ये एक्स को गुडविल मिलेगा. चलो बेटा, मैं देगा कौन एक्स को गुडविल, गेनिंग पार्टनर्स. हु आर गेनिंग पार्टनर्स बेटा, ओनली वाई. तो एंट्री हो जाएगी वाई अकाउंट डेबिटेड टू एक्स अकाउंट 9,000. कंसेप्ट क्लियर बेटा, कोई कंफ्यूजन कंप्लीट करो.
उसमें से अर्जुन को मिला 5/25 तो जो 4/25 मिला वो नकुल का गेन रेशियो। मैं क्लियर हूँ यहाँ तक बेटा, कोई कंफ्यूजन किसी को? सो अब मेरे पास ओल्ड रेशियो गेन रेशियो दोनों है तो मैं क्या फाइंड करूंगा बेटा न्यू रेशियो। न्यू रेशियो की फॉर्मूला क्या होती है बेटा? ओल्ड प्लस गेन। अर्जुन अर्जुन का ओल्ड रेशियो 14/25 प्लस अर्जुन का गेन रेशियो है 1/25 15/25। नकुल नकुल का ओल्ड रेशियो है 6/25 गेन रेशियो है 4/25 4+6 10/25। न्यू रेशियो अर्जुन नकुल 15/25 10/25 25/25 क्या 15:10 मतलब 3:2 क्या तक ये बेटा सबको? कोई कंफ्यूजन किसी को? आगे बढ़ते हैं। Goodwill of the firm is valued at 2 years purchase of super profit based on average profit of last 3 years. Profit for last 3 years are 50, 55, 60,000 respectively. तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बच्चों average profit. एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? तीनों को प्लस करने से 50 + 55 + 60 डिवाइडेड बाय 3 तो एवरेज प्रॉफिट आएगा 50 + 60 = 110 165 160 बाय डिवाइड बाय 3 मतलब 55 एवरेज प्रॉफिट मिल गया बेटा। क्लियर हो गया सबको? कंटिन्यू। नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द सिमिलर फर्म आर 30,000। नॉर्मल प्रॉफिट 30,000 है तो सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला होती है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 55 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 30। तो सुपर प्रॉफिट कितना मिल जाता है? 25,000 मिलेगा सुपर प्रॉफिट। गुडविल कितने इयर्स का परचेज लेने के लिए बोला है? 25,000 इंटू कितने इयर्स का परचेज लेना है? 2 तो 25,000 इंटू 2 50,000 ये हो जाएगा। Goodwill already exists in the books of the firm are 75,000. ये हमको दी हुई है old goodwill 75,000. Profit for the first year after Beam's retirement was 1 lakh. और profit हमको दिया हुआ है 1 lakh. बेटा logic समझ। Debt 32 lakh. LF डेबिट रुपीस क्रेडिट रुपीस। सबसे पहले ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ करेंगे तो 2 goodwill 75,000 ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट करेंगे ए अकाउंट डेबिट बी अकाउंट डेबिट एन अकाउंट डेबिट 75,000 को 14/5/6 पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा 42,000 15,000 and 6,000। फर्स्ट एंट्री क्लियर बेटा सबको? कंफ्यूजन फर्स्ट एंट्री में? सेकंड भीम को कितनी गुडविल मिलेगी तो 2 भीम्स कैपिटल 10,000 और भीम को ये कैपिटल देगा कौन बेटा मतलब ये गुडविल देगा कौन? अर्जुन और नकुल गेनिंग रेशियो। अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट नकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 को 1:4 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2575। एंट्री नंबर 2 क्लियर? कोई कंफ्यूजन एंट्री नंबर 2 में? थर्ड एंट्री नया प्रॉफिट 1 लाख। अब बच्चे कौन बेटा? अर्जुन और नकुल ये न्यू रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसकी एंट्री P&L appropriation account debit 1 lakh. 2 Arjun's capital
टू नकुल्स कैपिटल, 1 लाख के प्रॉफिट को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 60,000 एंड 40,000। सब लोगों को पूरा कंफ्यूजन समय सेकंड बीम को कितना गुडविल मिलेगा बेटा 10,000, तो टू बीम्स कैपिटल 10,000 देगा कौन बेटा उसको, अर्जुन और नकुल, कौन से रेशो में, गेन रेशो 1:4, अर्जुन अकाउंट डेबिट नकुल अकाउंट डेबिट 10,000 को 1:4 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमको न्यू प्रॉफिट दिया था बीम के रिटायरमेंट के बाद, तो जो नया प्रॉफिट है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, अर्जुन और नकुल में न्यू रेशो रेशो कैसे 4 और 1 5। मैंने 1:3 में कर दिया 2,000 and 4,000 18, 42, 60, 74, 72, 73, 3, 6, 18,000 समझ गया बेटा? कहाँ पे? खत्म करो चाहे